अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर वाफिद से होंगे। आज यानी 28th of May 2021 क्लास फोर्थ प्राइमरी सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर नंबर 6 इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर। आप सबको ये पता ही है कि आज हम चैप्टर नंबर 6 इस और लेसन का नाम है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके कुछ क्लास हमने पहले ही पढ़े हैं, आज हम इसका और एक क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि वाटर जो है, हम इसको कहाँ पर, किस किस जगह इसको हम इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, पहले हम इसको पढ़ेंगे। वाटर हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। फॉर आवर डेली यूज वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, टैंक्स, वेल्स और रिवर्स। वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज मे नॉट बी प्योर। शाबाश। वाटर हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, ये जो वाटर है ये हमारे इन प्लांट्स को, पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं इनको इस वाटर की इस बहुत ज़रूरत ही होती है। सिर्फ इन प्लांट्स को ही नहीं, पेड़ पौधों को ही नहीं, बल्कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको वाटर की ज़रूरत होती है। शाबाश। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, ये पानी जो है ये पीने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ये पीने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। शाबाश। हम लोग इसको पीते हैं, सिर्फ पीते ही नहीं बल्कि हम वॉशिंग भी इससे करते हैं, हम अपने कपड़े भी इससे धोते हैं, हम कुकिंग भी इससे करते हैं, हमारा जो खाना होता है हम इससे इसको पकाते हैं एंड बाथिंग। इसके अलावा हमें जब नहाना होता है तो हम इसी वाटर से नहाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बगैर हम बहुत सारे काम इसी वाटर से अंजाम देते हैं। शाबाश। फॉर आवर डेली यूज वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, ये जो वाटर हम डेली इस्तेमाल करते हैं, वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, हम इसको कहाँ से हासिल करते हैं, झीलों से, टैंक से, वेल से और रिवर से। इतना ही नहीं बल्कि और बाकी रिसोर्सेज भी होते हैं जहाँ से हम इस वाटर को हासिल करते हैं। शाबाश। वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज मे नॉट बी प्योर, लेकिन ये जो वाटर हम हासिल करते हैं कहाँ से, इन सोर्सों से, लेक्स, टैंक्स, वेल्स, रिवर्स, ये वाटर प्योर नहीं होता है, ये इम्प्योर होता है, ये गंदा होता है, क्योंकि अगर हम झील डाल देखेंगे या बाकी जो झील्स हैं, लेक्स हैं, उनमें जब हम लोग या वहाँ पर सैर करने के लिए जाते हैं तो हम उसमें जब हम कुछ खाते हैं तो उसका जो बाकी रहता है हम उसी में फेंकते हैं। ये जो बाकी हमारी जो होती है और कोई गंदगी वंदगी तो सब उसी में हम डालते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो यहाँ पर टैंक्स हैं, वेल्स हैं या और कुछ सोर्सेज है पानी के, हम उसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अब हम इसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं, बल्कि हम अब इसको अपनी गंदगी इसमें डालते हैं और इन ये जो सोर्सेज हैं हम इसको अब दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा गंदा ही गंदा करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि जो सोर्स है वाटर सोर्स, ये जो वाटर एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, अगर ये नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं होती है। हमें सोचना चाहिए कि हम इसको कभी गंदा नहीं करें, तो हम कभी जो हम हमारे घरों में जो ये जो वेस्ट निकलता है, गंदगी निकलता है,
हम सीधे सीधे किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं। तो इससे जो एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, ये एक वक्त आएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो हमें उस वक़्त पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। शाबाश। तो आज हमने इसके लिए क्या पढ़ा है कि हम कहाँ पर किस की जगह इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हम दूसरा जो क्लास है तो हम इंशाअल्लाह ताला कल उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम।